शिवपुरी के पोहरी में बस स्टैंड के सामने एक चाय वाले की अपनी ही एक कहानी है। लव स्टोरीज भी ऐसी कि सुनकर लगे कि ईश्वर ने इस लड़की को सिर्फ धोखा खाने के लिए ही धरती पर उतारा हो। मजाक की बात नहीं है, सच यही है। बेवफाई से खफा होकर इस युवक ने अपनी चाय की दुकान का नाम भी बेवफा चाय वाला ही रख लिया। बेवफा चाय वाला शिवपुरी जैसे छोटे शहर में जो भी इस नाम को पढ़ता है एक बार ही तो रुककर सोचता है कि आखिर ऐसा क्या है जो चाय वाले ने अपनी दुकान का ऐसा नाम रखा है। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक लंबी दर्द भरी कहानी है। दुकान का नाम बेवफा चाय वाला क्यों रखा गया, जब इसके पीछे का कारण जानने का प्रयास किया गया तो दुकान संचालक ने बताया कि उसे कई लड़कियों ने प्यार में धोखा मिला है, जिसके चलते उसने एक चाय की दुकान खोली और उसका नाम बेवफा चाय वाला रखा है। आपको बता दें कि विगत 3 सालों से पवन कुशवाहा नाम का एक युवक पोहरी बस स्टैंड पर चाय की दुकान चला रहा है। उसने अपनी दुकान शुरू करने के बाद से इसके नाम में कोई परिवर्तन भी नहीं किया है, यानी 3 साल पहले भी बेवफाई कमा रहा था, आज भी कोई वफादार उसे नहीं मिल सकी है। कहानी कुछ यूं है कि पवन को एक लड़की से प्यार हुआ जिसने उसे धोखा दिया, जिसके कुछ महीने बाद ही दूसरी लड़की से प्यार हुआ, उसने भी उसे धोखा दे दिया। पवन का कहना है कि प्यार की तलाश में भटकता रहा, ऐसे ही एक और लड़की से प्यार हुआ जिसके बाद उसने भी उसे धोखा दे दिया। अब बहुत हो चुका था, 4 बार मिले धोखे से उसका प्यार से विश्वास उठ गया और फिर उसने अपनी चाय की दुकान खोल ली जिसका नाम बेवफा चाय वाला रखा है। जानकारी के अनुसार बेवफा चाय वाले दुकानदार पवन कुशवाहा ने बताया कि उसकी उम्र 22 साल है और उसे कई लड़कियों ने प्यार में धोखा दिया है, जिसके चलते उसने अपनी दुकान का नाम बेवफा चाय वाला रखा है और उसने चाय की दुकान खोली है। आपको बता दें कि पवन की रोज की आमदनी 800 से 1000 रुपये है, यानी प्रति माह 30,000 के आसपास उसकी आय है। पवन अपनी जिंदगी में बहुत खुश है और अपना जीवन जी रहा है। तो अब जरूर ये लगता है कि कोई वफादार उसकी जिंदगी में आए और पवन अपनी दुकान का नाम बदल कर बफा चाय वाला रख दे, बफा चाय वाला रख ले। पवन, तो आपकी जो चाय की दुकान है वो कहाँ पे है? पोहरी बस स्टैंड पोहरी। अच्छा, तो आपने अपनी जो चाय की दुकान है उसका नाम बेवफा चाय वाला क्यों रखा है? इसलिए रखा है क्योंकि मैंने प्यार किया था, फर्स्ट लड़की से किया था, तो उसने भी धोखा दे दिया। फिर 3-4 महीने बाद फिर की, फिर हुआ, फिर उसने भी धोखा दे दिया। फिर 7-8 महीने बाद एक और से हुआ, उसने भी धोखा दे दिया, इसलिए मैंने बेवफा चाय वाला नाम रख दिया। तो आपकी इस चाय से एक दुकान करते हो, कितनी दुकानदारी हो जाती है? मेरी 3-4 हज़ार रुपये की दुकानदारी हो जाती है। तो कितनी आमदनी हो जाती है लगभग रोज की? 1100 रुपये रोज की आमदनी हो जाती है।